नमस्कार दोस्तों, मैं भाविक सावलिया और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ बैंक चार्जेस। दोस्तों, हम सभी लोगों के बैंक में अकाउंट होते हैं, लेकिन अक्सर ज़्यादातर लोग ये नहीं जानते कि बैंक हमारे खाते में से कई तरह की चार्जेस काटता है। अधिकतर बैंकों की वेबसाइट पर इन चार्जेसों के बारे में बताया गया होता है, लेकिन ज़्यादातर लोग इस तरफ गौर ही नहीं करते। बैंक हमारे खाते में से सारे चार्जेस ऑटोमेटिक काट लेता है। हमें अपने काटे हुए चार्जेसों के बारे में पता तब चलता है जब हम अपने बैंक का स्टेटमेंट देखते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बैंक हमारे खाते में से किस किस प्रकार के चार्जेस काटता है। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और शायद आपको इनमें से कहीं चार्जेसों के बारे में पता ही ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करें तो वो है मिनिमम बैलेंस। आजकल सभी बैंक हमें अपने खाते में मिनिमम बैलेंस रखने को कहती है और ये मिनिमम बैलेंस हर बैंक और बैंक अकाउंट में दी जाने वाली सुविधाओं के अनुसार अलग अलग होता है। अगर आपके खाते में पैसा मिनिमम अमाउंट से कम है तो बैंक आपके पर पेनल्टी लगाएगी। ये पेनल्टी आपके खाते में से ऑटोमेटिक कट जाएगी। दूसरा है स्टॉप पेमेंट। अगर आपने कोई चेक इश्यू किया है और आप उस चेक का पेमेंट स्टॉप करवाते हैं तो बैंक आपके खाते में से कुछ ना कुछ तो चार्जेस काटेगी ही। इसके बाद है डेबिट कार्ड फी। डेबिट कार्ड फी 100 से लेके 500 के बीच में होती है। ये हर बैंक और अपने डेबिट कार्ड में दी जाने वाली लिमिट के अनुसार अलग अलग होती है। इसके बाद पॉइंट आता है ईमेल और एसएमएस अलर्ट चार्जेस। बैंक आपको ट्रांजेक्शन का जो मैसेज या मेल भेजता है उसका भी चार्जेस लगता है। उसका चार्जेस हर महीने या सालाना बैंक काट लेता है। अब अगला चार्जेस आता है स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन में जब हम अपने बिल का पेमेंट कोई फिक्स डेट को अपने खाते में से ऑटोमेटिक तरीके से कटवाते हैं तो बैंक उसका भी चार्जेस हमारे खाते में से ऑटोमेटिक काट लेती है। अगर बिल पे करने की डेट पर हमारे खाते में पेमेंट ना होने पर बैंक आपके खाते में से पेनल्टी भी वसूल करती है। इसके बाद हम बात करें तो वो है बैंक कैश डिपॉजिट और विड्रॉल लिमिट। बैंक हर महीने आपको कैश डिपॉजिट और विड्रॉल करने की एक लिमिट देता है। ये आपके बैंक अकाउंट के हिसाब से अलग अलग होता है। अगर आप कैश डिपॉजिट या विड्रॉल बैंक ने दी गई लिमिट से ज़्यादा का करते हैं तो बैंक आपसे कुछ ना कुछ चार्जेस काटता है। इसके बाद है स्टेटमेंट चार्जेस। ज़्यादातर बैंक एक बार फ्री में स्टेटमेंट देती है। अगर आप दूसरी बार वही स्टेटमेंट निकलवाने जाते हैं तो आपसे पैसा चार्ज करती है। और कहीं बैंक सिर्फ सॉफ्ट कॉपी में ही स्टेटमेंट देती है, यानी कि आप ईमेल के जरिए भी स्टेटमेंट मंगवाते हैं फिर भी आपसे पैसा चार्ज करेगी। इसके बाद है पासवर्ड बदलने का चार्जेस। अगर आप नेट बैंकिंग या एटीएम का पिन भूल जाते हैं और बैंक आपको वो पासवर्ड रीसेट करके नया पासवर्ड देता है तो उसके लिए भी आपको बैंक को चार्जेस देना पड़ेगा। इसके बाद है एटीएम विड्रॉल चार्जेस। ज़्यादातर बैंक महीने में 3 बार एटीएम से पैसा निकालने पर कोई चार्ज नहीं करता। अगर आप एटीएम से 3 बार से ज़्यादा बार पैसा निकालते हैं तो बैंक विड्रॉल के हिसाब से आपके खाते में से चार्जेस काट लेगा। हालांकि खास खातों के एटीएम में ये चार्जेस नहीं लगाए जाते। इसके अलावा चेकबुक इश्यू और चेक बाउंस के चार्जेस भी आपके अकाउंट से कटते हैं। अगर आपके खाते से कोई लोन का ईएमआई जा रहा है और वो ईएमआई आप बाउंस करते हैं तो लोन अकाउंट में लगने वाली पेनल्टी के साथ साथ जिस खाते में से आपका ईएमआई कट रहा है उसी अकाउंट में भी आपको पेनल्टी लगेगी। मतलब कि आपका लोन पीएनबी में चल रहा है और आपका ईएमआई एसबीआई के अकाउंट में से जा रहा है। अगर आपका ईएमआई बाउंस हो जाता है तो दोनों अकाउंट में से आपको चार्जेस लगते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा नीचे कॉमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइए। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके। थैंक यू।